नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जमानत निरस्त के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। यूपी सरकार ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है अर्जी। मंत्री नंद गोपाल नंदी पर हमले का मामला है ये पूरा, जिसमें रिमोट बम से जानलेवा हमले का मामला है, जिसके बाद अब यहां मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह का दौरा, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है अर्जी। मंत्री नंद गोपाल पर हमले का है ये पूरा मामला। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें यहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से संदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संदीप, क्या है पूरा मामला? देखिए, इसमें हमले का मामला है जिसमें जमानत पर हैं विजय मिश्रा जो कि विधायक हैं। तो नंदी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी जो है वो जमानत निरस्त कर दी जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को ही उसमें दखल देने की बात कही थी। अब सरकार की तरफ से एक अर्जी डाली गई है जिसमें जमानत निरस्त करने की बात कही गई है। कोर्ट ने फिलहाल जो है वो नोटिस जारी करके विधायक से जवाब मांगा है और इसमें अब 26 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, उसके बाद ही निर्णय होगा कि क्या कोर्ट उनकी जमानत निरस्त करता है या फिर वो जमानत पर रहेंगे। ठीक संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।